हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड एसीएल को कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन एक पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से एक सिंगल होस्ट को हमारे डेस्टिनेशन पे कनेक्टेड सर्वर को एक्सेस करने के लिए रोक सकते हैं, जबकि हमने एक सिंगल होस्ट जो लिया था उसका आईपी था 192.168.0.3, जो हमने देखा कि ये पर्टिकुलर होस्ट उस नेटवर्क को या फिर कह सकते हैं उस नेटवर्क में कनेक्टेड सर्वर को एक्सेस करने से रोका जाए। तो चलिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट ये एरर आना चाहिए। ओके, इज अनेबल्ड, यस, रिक्वेस्ट टाइम आउट। जबकि यही होस्ट या फिर इसी से कनेक्टेड दूसरा होस्ट इसी नेटवर्क का अगर वो एस्टैब्लिश करने जाए तो वो एक्सेस कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया है द नेक्स्ट पीसी, जो उसके बाजू वाला है उसे एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने किसी भी तरह का एसीएल हमारे डेस्टिनेशन राउटर पे कॉन्फ़िगर नहीं किया था। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम एक पूरे के पूरे नेटवर्क को बैन करने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कल्याण का नेटवर्क लिया है, जिसका आईपी होगा 192.169.224.1 0/20 वाला उसका पूरा ये नेटवर्क। तो इस पूरे के पूरे नेटवर्क को हम ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले टेक अ रिकैप। हमेशा स्टैंडर्ड एसीएल ये सोर्स बेस होता है और अप्लाई किया जाता है आपके डेस्टिनेशन आउट पे। तो देखिए यहाँ पे मेरा सोर्स है कल्याण और मेरा डेस्टिनेशन है मुंबई। तो ये जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने रहे मुझे कल्याण राउटर से रिलेटेड या कल्याण नेटवर्क से रिलेटेड, वो मुझे करने पड़ेंगे मेरे डेस्टिनेशन राउटर, मतलब मेरे मुंबई साइड पे कनेक्टेड राउटर की तरफ। तो चलिए मैं अपने डेस्टिनेशन राउटर पे आ चुका हूँ। शो एक्सेस लिस्ट, देखिए ये वो एक्सेस लिस्ट है जिसके ऊपर हमने एक सिंगल होस्ट को बैन करवाया था। अब मुझे एक पूरे के पूरे नेटवर्क को बैन करवाना है, तो उसे भी हम कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे टाइप करना है एक्सेस लिस्ट ?" देखिए 1 से लेके 99 ये आपका स्टैंडर्ड एसीएल बन जाता है, जिसमें से नंबर 15 हमने यूज़ किया है। तो इसे छोड़ के आप जो चाहे वो नंबर ले सकते हो, लेकिन वो 1 से 99 के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंबर चूज करने वाला हूँ नंबर 45। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना है डिनाई। डिनाई क्या कर, पिछली बार हमने सिंगल होस्ट को डिनाई किया था, अब हम पूरे के पूरे नेटवर्क को डिनाई करेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप पूरे के पूरे नेटवर्क को डिनाई करते हो ना, तो नेटवर्क को डिनाई करते वक्त उसका वाइल्ड कार्ड देना ज़रूरी है। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वो कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमने पिछली बार वीडियो में देखा ही था। ओके, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गुजारते मैं क्विकली उस नेटवर्क का आईडी यहाँ पे देता हूँ जिसे मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कल्याण का नेटवर्क है, जिसका नेटवर्क आईडी है 192.169.224.0, इसको बैन किया जाए। सो 192.169.224.0 स्पेस देखे ?" यहाँ पे मुझे उसका वाइल्ड कार्ड बीट पूछा गया है उस पर्टिकुलर नेटवर्क का। तो देखिए वाइल्ड कार्ड कैसे निकालना है, चलिए इसके बारे में फिर से हम रिकैप ले लेते हैं। ये जो मेरा कल्याण का नेटवर्क है वो /20 से सबनेट लेन बता रहा है। इसका मतलब हियर यू कैन सी कल्याण नेटवर्क 192.169.224.0/20, जिसका मतलब उसका सबनेट मास्क आया आपका 225.225.240.0। ओके, सबनेट मास्क क्या होता है, इज नथिंग बट ऑनिंग योर बीट्स। तो यहाँ पे देखिए शुरू के मैंने 20 बीट ऑन करके रखे, बाकी के सभी बीट्स क्या है, 0, जिसकी अकॉर्डिंग मुझे इसका ये सबनेट मास्क मिला। ओके, जब भी आप किसी भी नेटवर्क का वाइल्ड कार्ड निकालना चाहते हो तो हमेशा 255.255.255.255 ये आपका जो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है उसको माइनस किया जाता है आपके सबनेट मास्क से। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका सबनेट मास्क यहाँ से माइनस करूँ तो जो कुछ भी फिगर आएगी वो बन जाएगा उसका वाइल्ड कार्ड। तो देखिए 255-255 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 255-240 0 50, और यहाँ पे आ गया 255-0 0 255। तो 0.0.50.255 इज द वाइल्ड कार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, जो मैंने ऑलरेडी
करके ही निकाला था और उससे रिलेटेड लेबल भी मैंने यहाँ पे देके रखे। अब यही इन्फॉर्मेशन मुझे इस पर्टिकुलर आउटर साइड पे कॉन्फिगर करनी है। तो 0.0.50.255 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मेरी ये फर्स्ट कमांड कंप्लीट हो गई। तो मैंने कहा एक्सेस इज 45 डिनाय कर एक पर्टिकुलर नेटवर्क को जिसका वाइल्ड कार्ड है स्वयंसो। इसका मतलब क्या, यहाँ पे कनेक्टेड जितने भी होस्ट है उन सभी के लिए वाइल्ड कार्ड हमेशा नंबर ऑफ होस्ट से ही रिलेटेड करता है, जबकि सबनेट मास्क आपका नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। प्रेस एंटर। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जब भी आप डिनाय परमिशन लगाते हो तो वो एक्सप्लिसिटली सभी के लिए डिनाय हो जाती है। अब मुझे परमिट करवाना है, सो एक्सेस लिस्ट 45 परमिट कर। परमिट क्या, एनी, तो सिर्फ पर्टिकुलर इस नेटवर्क को छोड़ के बाकी सभी के लिए परमिट कर दे। अब मुझे ये ACL को अप्लाई करवाना है हमेशा आपके डेस्टिनेशन आउट पे। और यहाँ पे हमने कहा था कि जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो ये फास्टर इथरनेट 0/0 से ही बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो जब मुझे ACL अप्लाई करवा रहा तो मुझे इस फास्टर इथरनेट 0/0 आउट पे ही करवाना है। ओके, तो चलिए कर लेते इसको। एक्स इंटरफेस फास्टर इथरनेट 0/0 पे हम गए। IP एक्सेस ग्रुप नंबर 45 आउट, कंट्रोल जेड करके बाहर आ गए। शो एक्सेस लिस्ट करके देख लेते। तो ये पहली वाली ACL और ये रही अभी अभी हमने जो कॉन्फ़िगर करी है जो कि स्टैंडर्ड ही है, लेकिन एक पूरे के पूरे नेटवर्क को डिनाई किया है जिसके अंदर हमने। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फास्टर इथरनेट 0/0 पे एक IP एक्सेस 45 को कॉन्फ़िगर कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग। ओके, चलिए हम इस कल्याण पे कनेक्टेड एक PC पे जाते हैं। सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर मुंबई से कनेक्टेड सर्वर को पिंग करने की कोशिश करते हैं कि उस पिंग का रिप्लाई आ रहा है या नहीं। इसे डेस्टिनेशन आउट, डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल आ रहा है। URL के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो URL के थ्रू भी ये कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी देर में इसको रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर आना चाहिए और ये आ चुका। उसी तरह से अगर इस कल्याण में कनेक्टेड कोई भी और PC क्यों ना रहा, अगर वो मेरे मुंबई साइड के सर्वर को कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने जाए या मुंबई साइड के नेटवर्क को कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने जाए तो उसको भी सेम ही रिप्लाई आना चाहिए। तो चलिए इसे क्विकली करके देखते हैं। मैं दूसरे PC पे कनेक्ट हो रहा हूँ जो कि मेरा कल्याण पे ही कनेक्टेड है, जो कि मेरा सोर्स साइड है ऑफकोर्स। तो सबसे पहले URL के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि वो URL एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। चलिए इसको तो रिप्लाई रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। कनेक्टिविटी करके देखते हैं पिंग करके, तो पिंग का भी रिप्लाई नहीं आना चाहिए। देखिए एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जब हम स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर करते हैं ना, स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर करते वक्त आप एक सर्विस को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हो। जब भी आप डिनाय परमिशन देते हो एक सिंगल होस्ट के लिए या पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए, तो वो सभी सर्विसेज को बंद कर देता है, जो कि हमने नोट में भी पढ़ा था। इफ़ यू कॉन्फ़िगर अ स्टैंडर्ड ACL इट विल allow or deny all the services, okay? मतलब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे एक HTTP को ब्लॉक करवाना है और अगर मैं स्टैंडर्ड ACL कॉन्फिगर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर PC के लिए या उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए सिर्फ वो सर्विस बंद नहीं होगी, पूरा का पूरा नेटवर्क एक्सेस बैन हो जाएगा। ओके, और अगर मुझे एक पर्टिकुलर सर्विसेज को ही कंट्रोल करना रहा तब हम यूज करते हमारा Extended ACL. So extended ACL is a facility of configure your ACL in a such way कि आप एक particular services को allow और deny कर सकते हो, जिससे related video हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि connectivity ना ही वो URL के through access कर पा रहा है मेरे कल्याण साइड का network, ना ही किसी तरह का ping का reply मुझे उस particular server से मिल रहा है। ओके, थोड़ी देर में इसको हम सिमुलेशन के थ्रू भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पैकेट जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये पिंग पैकेट गया इस सर्वर की तरफ। ओके, एंड ऑटो प्ले राउटर के इन, राउटर के आउट, इन आउट ब्लॉक। उसके बाजू वाले को करके देखते हैं, ये सर्वर के थ्रू कल्याण से कनेक्टेड सर्वर, अगेन कल्याण से कनेक्टेड PC
इन आउट इन आउट इन ब्लॉक। ओके चलिए उसके बाजू वाले को कनेक्ट करने के देखिए। तो ये कल्याण से कनेक्टेड सर्वर किसी और पीसी को अगर कनेक्ट करने जाए तो इसके साथ क्या होगा, चलिए देख लेते हैं उसे भी। इन आउट इन बैंड, तो देखा ना ही हमने स्टैंडर्ड ACL को कॉन्फिगर किया सिर्फ और सिर्फ सिंगल होस्ट को, बल्कि हमने पूरे के पूरे नेटवर्क सर्विस को ही ब्लॉक कर दिया है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सर्विस को बैन किया जाए रादर देन कॉन्फिगर योर स्टैंडर्ड, हम एक्सटेंडेड कॉन्फिगर करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ACL काफ़ी रियली यूज होता है, जिसका मेन प्रॉब्लम है ये पूरे के पूरे सर्विसेज को बैन कर देता है। तब तक के लिए मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनडे, आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।